रागी में काफी मात्रा में कैल्शियम होता है, ये डायबिटीज कंट्रोल करता है, साथ ही में इसके अमीनो एसिड्स एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। प्लस रागी वेट लॉस में भी हेल्प करता है क्योंकि इसमें काफी मात्रा में डाइट्री फाइबर्स होते हैं। आज इसी वंडर ग्रेन के डोसे हम बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही डिलीशियस एंड हेल्दी है। हेलो पुलिस, वेलकम टू अनुशासन। तो हमें यहाँ इन सारी चीजों की जरूरत है। हमने लिया है 1 कप रागी का आटा, 1 कप सूजी, आधा कप चावल का आटा, आधा कप ही लिया है दही, थोड़ा सा अदरक लिया है कसा हुआ, थोड़ा सा जीरा लिया है, नमक, करी लीव्स, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज और थोड़ी सी काली मिर्च ली है। सबसे पहले तो हमें एक बड़े से बाउल में रागी का आटा, सूजी, चावल का आटा, दही, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो यहाँ आप बेसन या मैदे का भी यूज कर सकते हैं। फ्लेवरिंग के लिए हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, जिंजर, करी लीव्स, हरी मिर्च, हरा धनिया ऐड करेंगे। इन हर्ब्स के डालने से बहुत ही अच्छा फ्रेश सा फ्लेवर आता है, तो इन सारी चीजों का आप जरूर ऐड कीजिएगा। और मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा जीरा और प्याज। प्याज इसमें बहुत बढ़िया लगते हैं तो आप भी जरूर ऐड कीजिएगा। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप भी किया जा सकता है। थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बहुत पतला सा बैटर हमें बनाना है। याद रखिए, आप एक साथ सारा पानी मत ऐड कर दीजिएगा, इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी और मिक्स करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अब हमें इस बैटर को 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाए। अब हम एक तवा गरम कर लेंगे। तवा काफी अच्छा गरम होना चाहिए, तवा थोड़ा सा भी ठंडा रहेगा तो डोसा अच्छे से फैलेगा नहीं। देखिए, ये बहुत ही पतला सा बैटर इसका होता है। अब थोड़ा थोड़ा करके बैटर हम इसमें फैलाते जाएंगे, कुछ इस तरीके से बैटर हम इसमें फैलाएंगे। देखिए, काफी जालीदार डोसा यहाँ पे तैयार हो रहा है। ये ट्रेडिशनल डोसा से काफी अलग बनता है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, डिनर में भी ये बहुत बढ़िया लगता है। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा डोसा पक रहा है, जो व्हाइट स्पॉट्स लग रहे हैं आपको, यहाँ से डोसा थोड़ा कच्चा है, तो जब ये पूरा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे पलट कर पकाएंगे। बहुत ज्यादा तेल इस डोसे में नहीं लगता है, सिर्फ 2 से 4 बूंद में ये डोसा बनकर तैयार हो जाता है। और ये डोसा खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। देखिए आप, कितना क्रिस्पी सा बन रहा है। बहुत ही ध्यान से इसको पलट दीजिए, देखिए क्या बढ़िया सा टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस डोसे के परफेक्ट टेक्सचर के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। जब भी आप बैटर तवे पर डालें, तवा काफी गर्म होना चाहिए। उसके बाद तुरंत ही आप फ्लेम मीडियम कर दीजिए ताकि ये काफी क्रिस्पी सा बने। धीरे धीरे पकेगा तो ये क्रिस्पी रहेगा, जल्दी से पक जाएगा तो सॉफ्ट रहेगा बट क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। देखिए, तवा काफी गर्म रहेगा तभी इस तरह की जाली इसमें पड़ेगी। आप फ्लेम मीडियम कर दीजिए और हल्के हल्के से इसे पकने दीजिए। 2 से 3 बूंद ही तेल ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है। एंड इसका बैटर काफी पतला सा होता है, रेगुलर डोसे के जैसा बिल्कुल नहीं होता है। थिन एंड क्रिस्पी डोसे बनकर तैयार है। ये बहुत ज्यादा डिलीशियस एंड हेल्दी लगते हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा एंड अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।